हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर ऐप साथी के अंदर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि माइंत्रा ऐप के अंदर जो है वो आपको ऑर्डर अगर रिटर्न करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, उसकी एक पूरी प्रोसीजर क्या होती है। तो दोस्तों, एक प्रोडक्ट जो है वो मैंने ऑर्डर किया हुआ था और उसे मैं जो है वो आपको रिटर्न करके दिखाऊंगा कि एक पूरी प्रोसीजर क्या होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, चलते हैं माइंत्रा ऐप के अंदर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं माइंत्रा ऐप के अंदर। अब आपको जो है वो यहाँ पर ये जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है इसके अंदर जाना है और यहाँ पर ऑर्डर्स में जाना है। तो देखिए, ये प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन आ रहा है, या तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको इसे एक्सचेंज करना है, आपको साइज़ सही नहीं बैठ रहा है, आपको एम नहीं बैठ रहा है, आपको एल चाहिए, तो आप एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। सेम प्रोडक्ट आएगा, सेम कलर आएगा, बस साइज़ बड़ा आएगा। लेकिन अगर आपको रिटर्न ही करना है तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ट्राई एक्सचेंज कह रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कंटिन्यू विथ रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको जो है वो क्यों रिटर्न कर रहे हैं उसका एक रीज़न चूज़ करना है। तो यहाँ पर रिसीव्ड अ रॉन्ग और डिफेक्टिव प्रोडक्ट, इमेज शोन डिड नॉट मैच द एक्चुअल प्रोडक्ट, क्वालिटी इश्यूज़, आई चेंज माई माइंड, साइज़ और फिट इश्यूज़। तो इनमें से अगर कोई है तो वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल आई चेंज माई माइंड कर दिया है। तो इशू डिटेल क्या है ये भी आपको यहाँ पर चूज़ करना है। फाउंड अ बेटर प्राइस आउटसाइड माइंत्रा, आई डू नॉट नीड इट एनी मोर, इट डिड नॉट लुक गुड ऑन मी, डिलीवरी वॉज डिलेड, फाउंड अ बेटर प्राइस ऑन माइंत्रा। तो इनमें से कोई अगर चीज़ है तो वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एकाध चीज़ जो है वो हम चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है कि प्रोडक्ट जो है वो 100% अनयूज्ड है, यानी कि आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया है। इस्तेमाल किया हुआ प्रोडक्ट जो है वो वापस नहीं लिया जाता है। प्रोडक्ट इस्तेमाल किए बगैर अगर है और उसके ऊपर सारे जो ओरिजिनल टैग वगैरह आते हैं वो अगर हैं तो आप उसे जो है वो रिटर्न कर सकते हैं, अदरवाइज ये रिटर्न नहीं होगा। तो क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज नहीं है तो हम कंफर्म करेंगे और यहाँ पर पिकअप डिटेल्स डाल देंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, ये एड्रेस अगर आपको चेंज करना है, किसी दूसरे एड्रेस से पिकअप करवाना है तो वो भी कर सकते हैं, या इसी एड्रेस से पिकअप करवाना है जिस पर डिलीवर हुई है चीज़, तो वो भी आप कर सकते हैं। एक बार वो आपने कर दिया, उसके बाद यहाँ पर रिफ़ंड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको रिफ़ंड किस तरीके से चाहिए ये आप चूज़ कर सकते हैं। तो या तो माइंत्रा क्रेडिट में ये जा सकता है या आपके बैंक अकाउंट में जा सकता है। तो मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट चूज़ कर रहा हूँ और अब आपको यहाँ पर जो है वो अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देना है, तो वो भी मैं कर देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है वो आपको कस्टमर का नाम यहाँ पर डालना है, जो कि बैंक रिकॉर्ड के अनुसार जो नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है। अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर को री एंटर करना है, उसके बाद बैंक का IFSC कोड डालना है, बैंक का नाम डालना है, ब्रांच का नाम डालना है, उसके बाद अकाउंट कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, और उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर इसे कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ही बैंक अकाउंट ऐड कर दिया, उसके बाद जो है रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। 239 रुपये जो है वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो आ जाएंगे। अब अगली स्टेप्स क्या होंगी, रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है और स्टाइल एजेंट विल कम एंड पिकअप द आइटम फ्रॉम द पिकअप एड्रेस, रिफंड विल बी इनिशिएटेड वंस वी रिसीव द आइटम एंड इट पासेस द क्वालिटी चेक। यानी कि इमीडिएटली ये नहीं होता है, जब भी डिलीवरी पार्टनर आपके दरवाजे पे आते हैं और ये पार्सल जो है वो वापस ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आइटम बिल्कुल सही स्थिति में है या नहीं है, और उसके बाद उनकी तरफ से इनिशिएट कर देते हैं कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट जो है वो सही स्थिति में है तो इनका रिफंड दिया जाए। उस हिसाब से जो है वो आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। अभी देखिए, इसका पिकअप जो है वो अगले 7 दिनों के भीतर होने वाला है, तो तकरीबन मेरा रिफंड जो है वो 10 से 11 दिन में मेरे अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, आप यहाँ पर जो है वो माइंत्रा के ऊपर
अपने आइटम को रिटर्न कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे ही मैंने डन दबा दिया है, रिटर्न रिक्वेस्ट कब हुई है, और उसके बाद आप ट्रैक भी कर सकते हैं, चाहिए तो जो रिटर्न की रिक्वेस्ट आपने डाली है उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा जो है वो रिटर्न हो चुका है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाएंगे ऑर्डर्स में, और ये देखिए जी, रिटर्न जो है वो हमारा प्रोसेस हो चुका है, और हमारी जो ऑर्डर थी या हमारा जो पैकेज था वो सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो पिकअप कर लिया गया है, और 239 रुपये का जो रिफंड है वो मेरे बैंक अकाउंट में जो है वो आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों, यदि आप कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं तो भी आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर उसके डिटेल्स डाल करके अपने बैंक अकाउंट में उसका जो है वो रिफंड ले सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं।